नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। शाहजहांपुर के थाना निगोई क्षेत्र के गांव ऊना खुर्द में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक अपने मामा के साथ बाइक से समरसेबिल लगाने गया था, तभी रास्ते में हमलावरों ने तमंचा निकालकर युवक को गोली मारी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। यह पूरा मामला थाना निगोही क्षेत्र के पूर्ण गांव का है। बाराबंकी में एसडीएम कोर्ट में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को पकड़कर जेल भेज दिया है। बता दें कि कोर्ट में वोटर लिस्ट में दो जगह पर चढ़े नाम की शिकायत करने आए युवक ने एसडीएम कोर्ट में ग्राम प्रधान से मारपीट की। यह पूरा मामला तहसील हैदरगढ़ परिसर का है। श्रावस्ती जनपद के इकोना तहसील के हाईवे सड़क पर स्थित मोहिनी पर चौराहा पेट्रोल पंप के सामने एक साइकिल सवार बच्चे को अज्ञात मारुति गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते बच्चे की साइकिल टूट गई। बता दें कि बच्चे के सर में काफी चोटें पहुंची हैं और शरीर में भी अत्यधिक चोटें आई। बच्चा किसी काम से बाजार जा रहा था, तभी यह घटना घटित हुई। तो वही अज्ञात चार पहिया गाड़ी चालक ने अपने सहमति बताते हुए कहा कि गलती हमारी ही है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। घटना स्थल पर मौजूदा स्थानीय लोगों ने जब बच्चे के परिवार वालों के बारे में पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि मैं यही इकोना बाजार का रहने वाला हूं और हमारा ग्राम सभा इटौजा है। बच्चे ने बताया कि पिता का नाम राकेश कुमार और हमारा नाम अमित कुमार है। स्थानीय लोगों ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। प्रतापगढ़ हाईवे किनारे झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक वृद्ध का शव। घटना की जानकारी से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि एक दिन पहले से घर से लापता था मृतक कालिका प्रसाद तिवारी। यह मामला लालगंज कोतावली के ढकवापुरे बिरबल गांव का है। हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।